प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सही भाई, आपका भाई मोहम्मद जमाल भाई। मैं स्पेशल लोकेशन भी जाना चाहता हूँ, ये वही जगह है टी मेरा स्कूल मोहन गार्डन नंबर 1। आइए भाई, आइए। ये पूरा कूड़ेदान दिख रहा है, पूरे फ्लोरिंग में कूड़ा है, पूरा का पूरा कूड़ा है। मैं अपने वीडियो में हर बार कहता हूँ भाई, अपना मोहन गार्डन साफ होना चाहिए। और गाय मार्ग पर आप चेक कर सकते हो, ये किसी भी घर का कूड़ा नहीं है, बाहर का कूड़ा नहीं है, घर का कूड़ा है। सब कट्टे में, उसी कट्टे में खा रही हूँ सारा, पूरा का पूरा दिखा, पूरा ये कूड़ेदान बना रखा अपने मोहन गार्डन को, पूरा का पूरा कूड़ेदान बना दिया पूरा, ए से लेके जेड का देख सकते हैं। मैं सिर्फ भाई दोस्तों सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखो, और MCD के ऑफिसर को दिखाओ कि यहाँ पर वो ना इनके लिए डस्टबिन लगाए ग्रीन और वो जो ब्लू कलर का चल रहा है। और जैसे इनके सबसे ज़्यादा अगर गायों की मौत होती है ना, तो वो होती है उसके वजह से, पन्नी खाने की वजह से। तो आप देख सकते हो कोई ऐसी गाय इसमें खाना ना ढूंढ रही, और ये पूरा का पूरा ढूंढ के पूरी गाय गाय जिस तरह नज़र घुमाओगे। अपना भाई मोहन गार्डन क्लीन होना चाहिए, और पहली बात तो सबसे पहली बात, और आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा फेंकने को मिलेगा। ये घरों का कूड़ा है, कोई फैक्ट्री का नहीं, किसी चीज़ का नहीं, घर का कूड़ा है सारा घर। आओ ये देखिए, दिख रहा है कट्टे के अंदर, ये कट्टे के अंदर घर का कूड़ा फेंक रखा पूरा का पूरा, फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर। ये इसी में खाने को तलाश रही है, इसी को ढूंढ रही है। तो मैं सभी से कहूँगा भाई, ये तो वीडियो देखें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। घर का कूड़ा है, कोई हमारे घर इधर का नहीं उधर का नहीं, सब घरों का कूड़ा है। हमारे घर वाले आते हैं वो फेंक देते हैं ना, ये चीज़ उनकी जगह के लोकेशन है। खाना पन्नी में, कई बार कहा कि पन्नी के अंदर खाना ना डाला है, उससे क्या होता है वो ढूंढती हैं खाने को। तो ध्यान रखें भाई सभी का। तो जय हिंद, जय जवान, ये बुद्ध बाजार रोड है पूरा ये। और मैं किसी इसमें मैं किसी अफसर की जिम्मेदारी नहीं बोलता, ये हमारे हम खुद इस चीज़ के जिम्मेदार है कि हम यहाँ कूड़ा डालते हैं। अफसर अपना काम करते हैं, डेली सफाई होती है, काम को वही हाल हो जाता है। ध्यान रखें भाई, जय हिंद, जय जवान भाई, प्लीज़ भाई ध्यान रखें, पूरे तरफ देख लो।